गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स में कोर्स 4th बी में लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो लेक्चर मेथड है उसका मीनिंग क्या है और कैसे जो है वो हमारी जो स्टडी है, हमारा शिक्षण है, कैसे उसको जो है उसमें प्रयोग किया जा सकता है। आज हम उसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो लेक्चर मेथड को और अधिक उपयोगी बनाती हैं। सबसे पहले यह है हमारे विशेषता टू डेवलप थिंकिंग पावर, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास। जैसे कि जब जो है एक टीचर कक्षा में अपना लेक्चर देता है तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ जो है अपने भाषण के द्वारा पढ़ाता है, इससे जो है बच्चों में सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। अध्यापक के लेक्चर के दौरान बच्चे बीच बीच में जरूरत के जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होते हैं उनको वह कॉपी में नोट करते रहते हैं और बच्चों को जो भी उसमें जरूरी जानकारी लगती है वो उसको समय समय पर लेक्चर के दौरान अपनी कॉपी में नोट करते हैं। अध्यापक द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण भाषण में वो बीच बीच की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अलग कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों को लेक्चर मेथड के जरिए बीच बीच में से इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। इन सबको जब वो लेक्चर खत्म हो जाता है या मान लो जब बच्चे उस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं या अपना जो है असाइनमेंट पूरा करना चाहते हैं उस लेक्चर के जरिए, तब वे उन हेडिंग्स को देखकर उनसे जो है अपना जो है इनका जो अपना होमवर्क होता है उसे पूरा करने के लिए, असाइनमेंट होता है उसे पूरा करने के लिए अपनी सोच समझ का जो है प्रयोग करते हैं। इससे जो है उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। उन्हें लगता है कि कैसे हम जो है लेक्चर मेथड में दिए गए जो विशेष इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे या जो हेडिंग थे उन्हें कैसे हम अपने असाइनमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेक्चर मेथड है ये बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है हमारा सेव टाइम एंड एनर्जी। जो लेक्चर मेथड है वो हमारे समय की बचत करता है, एनर्जी की बचत करता है। लेक्चर मेथड के द्वारा हम कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दे सकते हैं। एक बड़े से कमरे में जो है बच्चों को बैठाकर वहां पर एक अच्छी जो है स्पीकिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर वहां पर हम एक टीचर के द्वारा लेक्चर मेथड के द्वारा बहुत सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा दे सकते हैं और उस लेक्चर में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके टीचर द्वारा बच्चों को ज्ञान दे दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे छात्रों का और हमारे टीचरों की एनर्जी बचती है और टाइम बचता है। एक ही लेक्चर के द्वारा हम उसमें बहुत सी जानकारियां बच्चों को एक ही समय में दे पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। लेक्चर मेथड के जरिए हम न्यूनतम समय में मैक्सिमम जो व्याख्या है किसी की एक चीज की ज्यादा से ज्यादा विस्तृत व्याख्या हम लेक्चर मेथड के जरिए देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट मेथड है हमारा उसकी हम अधिक से अधिक क्लैरिफिकेशन अपने लेक्चर में दे सकते हैं। लेक्चर मेथड के द्वारा हम बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित विशेष जानकारी विस्तृत रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी टीचिंग। जो हमारी सामान्य टीचिंग है, शिक्षण है, उससे बहुत अधिक जो है बेहतर है हमारा लेक्चर मेथड और इंटरेस्टिंग भी है और इसमें हमें विशेष जानकारी भी मिलती है कम समय में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो सामान्य शिक्षण विधि है उससे हमारा लेक्चर मेथड बहुत अधिक उपयोगी है और कामयाब भी है और हमारे बच्चों को एक ही समय कम समय में बहुत सारा ज्ञान भी देता है। नेक्स्ट है हमारा मोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे समाज में और हमारी कक्षा में भी समान बुद्धि वाले बालक और लोग नहीं होते हैं। कक्षा में भी कम बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले और तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए लेक्चर मेथड तैयार किया जाता है। लेक्चर ऐसा तैयार किया जाता है कि उसमें सभी प्रकार की ऐसी जानकारी डाली जाए जो कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी हो, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी हो और तेज बुद्धि वाले बच्चे भी उसको लेक्चर को अपने जो है शिक्षण में जो है आगे आने वाले टाइम में अपने उसमें शिक्षण में प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। जो हमारा लेक्चर मेथड है ये टीचर और स्टूडेंट्स को सक्रिय रखता है, एक्टिविटी उनके अंदर चलती रहती है। एक टीचर जब मान लो भाषण देता है तो वह बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बच्चों से पुट कर सकता है कि उनको उसके लेक्चर से संबंधित क्या जानकारी उनको समझ में आई है या उससे संबंधित क्या बच्चों के पास कोई नई जानकारी है, तो इसलिए जब वो बीच में क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे एक्टिव होकर उनके आंसरों को जवाब देते हैं या बच्चों को बीच में अगर कुछ समझ में नहीं आता या उनके मन में कोई प्रश्न होता है तो वो टीचर से पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार जो है एक्टिविटी स्टूडेंट्स की और टीचर की बनी रहती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मल्टीपर्पस यूज फॉर और अलग पर्पस। जितने भी हमारे सभी एस्पेक्ट्स हैं शिक्षण से संबंधित
उन सभी के लिए हमारा लेक्चर मेथड उपयोगी है। लेक्चर मेथड सिर्फ जो है ज्ञान देने के लिए नहीं, लेक्चर मेथड लगभग बहुत सी चीज़ों के लिए जो है यूज किया जाता है। ज्ञान देने के लिए, सिलेबस पूरा करने के लिए, समय बचाने के लिए, एनर्जी पूरा करने के लिए, एनर्जी को जो है सेव करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही समय में बहुत सारे बच्चों को शिक्षण देने के लिए, कम समय में बहुत सारी जानकारी एक ही टॉपिक के अंदर देने के लिए, बड़े लेसन को छोटा करके पढ़ाने के लिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जिनका लाभ हम अपने शिक्षण में उठा रहे हैं। लेक्चर मेथड एक उपयोगी विधि हमारे लिए साबित हो रही है। तो आज हमने लेक्चर मेथड में एडवांटेज पढ़े। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और पढ़ेंगे।